दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक शेखवारा बोध गया गया डोभी मेन रोड थाने के छोटे बाबू न बड़े बाबू न इंस्पेक्टर साहब न डीएसपी साहब न एसपी साहब न एसएसपी साहब न डीआईजी साहब न आईजी साहब न बिहार के डीजीपी साहब न बिहार का सीएमओ। बिहार की एक ऐसी महिला है जो शिकायत करती है तो सीधे पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रधानमंत्री कार्यालय में। एक ऐसा शिकायत जो प्रधानमंत्री कार्यालय के पास में जाता है और प्रधानमंत्री कार्यालय एक्शन में होती है, यानी भारत सरकार का जो पीएमओ है वो एक्शन में होता है और उसके बाद बिहार के गया के वर्तमान के एसएसपी महोदया हरप्रीत कौर को आदेश दिया जाता है इस पर फौरी कार्रवाई की जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो बिहार की गया की एक महिला का है। महिला एक संगीत शिक्षक है रामरुचि कन्या उच्च विद्यालय में। रामरुचि कन्या उच्च विद्यालय गया में स्थित है जो कि बिहार का एक प्रमुख जिला है। उस जिले की एक संगीत की शिक्षिका महिला की एक कहानी आप लोग के बीच में लेकर आया हूं। कहानी दरअसल 2021 की है, 26 जनवरी का दिन था। 26 जनवरी के दिन में महिला शिक्षक जो कि संगीत की शिक्षक हैं, संगीत की शिक्षक और 26 जनवरी के खास मौके पर एक कार्यक्रम जो कि बिहार सरकार के द्वारा हर जिले में होता है गणतंत्र दिवस के मौके पर, मौका था गणतंत्र दिवस का। गणतंत्र दिवस के मौके पर रामरुचि कन्या उच्च विद्यालय के बच्चियों ने जिला प्रशासन के कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। भाग लेने के क्रम में एक शिक्षक का आरोप है कि उनके सहकर्मी शिक्षक, वह भी जो पुरुष शिक्षक हैं, संगीत के शिक्षक हैं, उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की। बात यह है, यह बात पीएमओ तक चली जाती है। दरअसल वाक्या हुआ था, शिक्षक का कहना है कि जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लौटे तो विद्यालय परिसर में हमारे साथ छेड़छाड़ की गई। नशे के धुत में हमारे पुरुष सहकर्मी संगीत शिक्षक ने मेरे साथ में बदतमीजी की, छात्राओं के साथ में बदतमीजी की और साथ साथ छेड़खानी की। लेकिन मामला यह है कि बिहार में शराब बंद है, उस समय भी बंद था और उस समय ज़्यादा प्रभावी था बिहार में शराबबंदी कानून। लेकिन शराबबंदी कानून होते हुए भी अगर वह पुरुष शिक्षक शराब के नशे में धूत होता तो वह कार्यक्रम कैसे करता, पहला सवाल। दूसरी सवाल कि अगर कार्यक्रम के बाद भी वह शिक्षक ड्रिंक लेता है, नशा करता है और उस महिला शिक्षक के साथ में छेड़खानी करता है तो महिला संगीत की शिक्षक ने तुरंत कॉल कर स्थानीय प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी। आप जैसा मानते हैं और इस चीज़ को जानते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक के ही जिम्मेवारी दी थी कि कोई भी अगर शराब बेचता है, रहता है, पीता है तो शिक्षक उसको पकड़वाए, शिक्षक सूचना दें। जिस शिक्षक के कंधे पर जिम्मेवारी दी गई थी शराबी को पकड़वाने के लिए, तो क्यों नहीं महिला शिक्षक स्थानीय थाना को फोन कर अगर वह शिक्षक जो पुरुष शिक्षक संगीत का शिक्षक है और उसके साथ छेड़खानी कर रहा है वो भी नशे की हालत में, तो महिला शिक्षक ने क्यों नहीं शिकायत की, सवाल यह भी है। लेकिन सवाल यह है, इसका जवाब तो जांच के बाद पता चलेगा। जब पीएमओ हरकत में आई, पीएमओ को चिट्ठी लिखी गई, यहाँ पर स्थानीय थाना को सूचित नहीं किया गया, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, यहाँ के डीएसपी साहब को सूचित नहीं किया गया, उस समय के वर्तमान के एसपी को सूचित नहीं किया गया, जिलाधिकारी को सूचित नहीं किया गया। वह महिला शिक्षक सीधे तौर पर पीएमओ को चिट्ठी लिखती है कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है और मैं मेंटल हरासमेंट हूँ। उसके बाद पीएमओ कुछ दिनों के बाद, यानी विगत 2 से 3 दिन पहले एक्शन में आती है और वर्तमान के एसएसपी महोदया श्रीमती हरप्रीत कौर को सीधे तौर पर
अल्टीमेटम दिया जाता है, उन्हें सूचना दी जाती है कि इस पर फौरन कार्रवाई की जाए। तत्कालीन वर्तमान के जो थाना है, कोतवाली थाना के अंतर्गत में आने वाला ये स्कूल है, रामरुचि उच्च विद्यालय थाना कोतवाली, FIR उस पुरुष शिक्षक पर करती है। ये तो जांच का विषय है, आगे पुलिसिया कार्रवाई होगी, जांच होगा। लेकिन जिस समय इस घटना घटित हुई थी उस महिला शिक्षक के साथ में, उसके बाद उन्होंने शिकायत वर्तमान के प्रभारी प्रिंसिपल को किया था। महिला का क्या बाइट है, महिला का क्या कहना है, महिला शिक्षक का, पहले उसे आप दो शब्दों में सुने। आपको यहाँ पर विद्यालय में आपने शिकायत किया तो न्याय नहीं मिला, तो आपने नहीं, 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 विद्यालय में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। कहाँ कहाँ शिकायत की आप? क्या किया शिकायत की हमने? आपने सुना कि महिला शिक्षक का क्या आरोप है। एक बाइट और सुनवाता हूं जो कि वर्तमान के रामरुचि उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं, उनका क्या कहना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर शिक्षक नशे की हालत में होते तो इतना अच्छा कार्यक्रम कैसे करते हैं। वर्तमान के जो प्रधान अध्यापक हैं, उनका यह कहना है कि अगर शिक्षक नशे की हालत में होते हैं तो इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे स्कूल की प्रस्तुति कैसे होती है। साथ साथ यह भी कहना है कि लिखित तौर पर कोई भी छात्रा स्कूल की हमें शिकायत नहीं मिला है स्कूल प्रशासन को। आइए उनकी एक बाइट को सुनते हैं। तो अगर शराब के नशे में होते तो इतना बढ़िया प्रोग्राम वहाँ सफल कैसे होता? प्रोग्राम वहाँ का सफल रहा है। बच्चियों का क्या आरोप था सर? बच्चियों का कोई आरोप नहीं, विद्यालय में बच्चियों के द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं आया। शिक्षिका क्या लिखी थी? शिक्षिका लिखी थी जो कि हमको जो है उनसे माफी मंगवाया था। आपने दोनों बाइट को सुना। स्कूल की शिक्षिका जो है उनका आरोप है कि पुरुष शिक्षक के द्वारा उनके साथ में बदतमीजी की गई थी। वर्तमान के प्रधान अध्यापक का कहना है कि किसी भी तरीके के अगर नशे की हालत में होते तो अच्छा कार्यक्रम नहीं होता। खैर बात कुछ भी हो, यह तो जांच का विषय है कि आखिर क्या सच है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय थाना और बिहार की पुलिस पर महिला शिक्षक को भरोसा नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने PMO को चिट्ठी लिखी और PMO एक्शन में आकर पुरुष शिक्षक पर कार्रवाई करने की बात कही। यह जांच चल रहा है, आखिर जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है ये जांच के बाद पता चलेगा। जांच अभी दौर में चल रहा है। लेकिन कई सवाल जो आपके पास मैं छोड़कर चले जाता हूं, इस कहानी के जरिए आप समझ सकते हैं। उस महिला शिक्षक का कहना था कि कार्यक्रम के बाद हमारे साथ बदतमीजी की,
पुरुष शिक्षक ने, उस महिला शिक्षक का कहना था कि हमने बच्चों को छोड़ने के लिए कहा, उसके बाद उन्होंने मुझे धकेल दिया। इस तरह के कई आरोप हैं, लेकिन क्या यह आरोप सही है या गलत है यह जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन छोटी सी बात इसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी महिला के साथ में प्रताड़ना होता है तो वह बात बड़ी हो जाती है, और बड़ी बात को जब स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्कूल प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर उस महिला को मानसिक प्रताड़ना हुआ होगा। तभी वह महिला शिक्षक ने PMO को चिट्ठी लिखी। लेकिन आखिर क्या बात है, क्या सच्चाई है, यह जांच के बाद पता चलेगा। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टुडे, चंदन भारती के साथ। धन्यवाद।